Assalamualaikum, this is Rafiqa Karim. Welcome to Justice for All. आज का हमारा टॉपिक है यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड सोशल फूड. आज के हमारी मेहमान है मिस सोनल धनानी. ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर है और इनका एक अपना सोशल एंटरप्राइज भी है जिसका नाम है परिंदी. आप इनके बारे में. Assalamualaikum everyone. So Parindy is a youth-led organization, a social enterprise. A social enterprise is a new thing in Pakistan. Legal terms पे इसकी कोई registration नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है या इसका जो ऑपरेटिंग कोर है वो ये है कि आप एक सोशल कॉज के लिए ऑपरेट होते हैं और उसके अंदर यू वर्क फॉर बोथ फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, बट द कॉज टू सर्व द कम्युनिटी इज अटैच टू इट. और परिंदे पर्टिकुलरली जिस सोशल इनजस्टिस को काउंटर करने के लिए काम करता है, दैट्स द एक्सेस टू मेंटल हेल्थ, के हमारे आस पास में हमारी सराउंडिंग में हाउ एवरी वन इज स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी सेहत के जो मामला आते हैं हम सब उससे गुजर रहे होते हैं लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता. तो परिंदे काम करते हैं कि कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है लोगों के दरमियान माशरे में, जिसकी मदद से ज़हनी सेहत को बेहतर बनाया जा सके और ज़हनी सेहत पर बात करने के वसाइल और प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएँ, ताकि इससे जुड़ी जो शर्म है या इससे जुड़ा जो डर है उसको हम कम कर सकें. कोविड के टाइम पे स्पेशली हमने देखा है कि एकदम से जब अनसर्टेन सिचुएशन में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इकोनॉमिक के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, सो हर कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना शुरू हुआ. वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशन आती है जहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मायूसी, उलझन, परेशानी, ये सब बहुत आम सी चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए या जिसके लिए एक इंसान को तैयार होना चाहिए. तो परिंदे का जो पूरा मकसद है वो यही है कि हम कैसे इन मेंटल हेल्थ के टूल्स को फराहम करते हुए रिजिलिएंट कम्युनिटीज़ को बना सकते हैं. ठीक है, तो परिंदे जो है वो मेंटल हेल्थ को हेल्प करता है आर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू, तो इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस फाउंडेशन में? सो एक जो हमारी लर्निंग रही है कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू ये कि अक्सर ये वाली जो बातें होती है कि मुझे मायूसी महसूस हो रही है, उदासी महसूस हो रही है या मैं बता नहीं पा रहा, एंग्जाइटी है, सो ये एक्सपीरियंसेस को लफ्ज़ों में बोलना ज़्यादा मुश्किल है. एंड दैट्स वेयर आर्ट्स एंड कल्चर कम इन. आर्ट्स एंड कल्चर बिकम द टूल फॉर पीपल टू एक्सप्रेस, एंड वी डू आर्ट थेरेपी एंड म्यूजिक थेरेपी इन परिंदे. सो आर्ट्स के ज़रिए, रंगों के ज़रिए, उसके ज़रिए वी हेल्प पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, देयर इमोशन, those experiences or those journeys which are usually difficult to put in words. And we have seen some great results. We have seen people coming together. Arts and culture mein naturally wo discipline ya wo usko todne ki taakat hai ki jo social norms, jo social structures jisme hum bandhe hote hain wo apne saath leke aate hain. Arts help to break those patterns. So agar koi bahut बोलने में घबराता है, शर्माता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, नेचुरली थ्रू आर्ट्स इफ यू टेल देम टू जस्ट ड्रॉ, जस्ट कलर, वट एवर दे फील लाइक, तो वो पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू होता है. और मेंटल हेल्थ के अंदर जो हमारा कोर है, एज सून एज यू स्टार्ट स्पीकिंग, एज सून एज यू स्टार्ट टेकिंग इट आउट, अब अपने आप से निकालना शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसी फीलिंग है कि वेन यू आर नॉजिएटेड लेकिन आपको उल्टी नहीं आ रही होती, तो यू फील बहुत उलझन आ रही होती है ना, एज सून एज यू वॉमिट आउट यू फील ओके. सो ये प्रोसेस भी ऐसा है कि जैसे ही आप एक बार एक्सप्रेस कर देते हैं आपको चीज़ें मज़ीद बेहतर दिखने लगती है. एंड दैट्स वे आई फील कि जो हमारे पाकिस्तानी माशरे के आधे से ज़्यादा मसले हैं, खासकर खवातीन से रिलेटेड, वो इसी वजह से कि एक्सप्रेशन और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नियर टू इम्पॉसिबल. हमने हर चीज़ को इतना मुश्किल बनाया है, प्यार को एक्सप्रेस करना, गुस्से को एक्सप्रेस करना, नफरत को एक्सप्रेस करना, वहीं पे उलझने हैं, नफरतें शुरू होती हैं जब हम बात नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे. सो एज अ विमेन, लाइक आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी जो थोड़ी सी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, थोड़ा सा फीमेल्स को क्रिटिसाइज करती है कि आप ये चेंज कैसे ला रही हैं, पॉजिटिव चेंज, तो हमारी सोसाइटी में आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है प्रोसेस? पाकिस्तान में एज अ फीमेल वर्क करने के लिए देयर आर कॉन्स एंड कॉन्स. बहुत ऐसा है कि बहुत सारी जगह शायद किसी लड़के को ना जाने मिला, वहाँ पे तीन फीमेल बहुत आराम से फैसिलिटेट किया गया, दैट बिकेम रियली ईजी. एट द सेम टाइम टू स्टैंड एज अ वुमन लीडर इन पाकिस्तानी सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टेक होल्डर टू एक्सेप्ट कि एक खातून आई है. और एक जो बहुत कॉमन
जुमला मैंने बहुत सुना है वो कि हमारी औरतों को बिगाड़ देगी, हमारी बच्चे को बिगाड़ देगी. That fear of losing their power is so dominant, unfortunately. So my learning being a woman leader is that you cannot go against the community norms and ethics, but how you can really involve all the community stakeholders to bring change. Unfortunately, ye bhi hai ke we think ke sirf khawateen pe kaam karo to change aa jayega, wo bhi galat hai. One sided change is again extremist change. जो अगर अभी हम कहते हैं ये हमें उम्मीद है तो हम उनको तैयार करें कि आप चीन ले उतर आप ना लें. सो हाउ डू वी ब्रिंग इक्वल चेंज. हमारी जो परिंदे पर अप्रोच रही है शुरू से इज टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर टुगेदर. एंड एज सून एज यू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर टुगेदर यू टेल देम दैट स्टिल यू हैव द अथॉरिटी. दैट्स वेयर इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू वर्क इन सर्टेन कम्युनिटीज. बट अगेन एज अ वुमन लीडर इट वॉज इट ईजी, इट स्टिल नॉट ईजी. आप जब भी नई कम्युनिटी में जाएंगे आपको शुरू से खुद को प्रूव करना होगा, शुरू से उतना ही टाइम लगता है ये बताने के लिए कि कोई उनके नॉर्म्स को हम चैलेंज करने के लिए नहीं आए. हाउ दिस प्रोग्राम इज हेल्पफुल फॉर मैनी अदर्स, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली एक डर अटैच्ड है तो उसके साथ बैकलैश जरूर आता है. कभी प्रोग्राम्स को रोका भी जा रहा होता है, कभी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी होती है कम्युनिटी की तरफ से. कोई बैठा हुआ ही है तो उस पर फिर वही होता है कि फिर से वो लोग बोल नहीं पा रहे या बात नहीं कर पा रहे. या एज अ वुमेन आपके ऊपर बहुत डिफरेंट किस्म के लेबल्स भी आ रहे होते हैं. वेरी डिफिकल्ट काउंटर्स. जैसे कुछ कम्युनिटीज में जहाँ बल्दिया की साइड पर हम काम करते हैं तो आई सीन के जो मेल स्टेक होल्डर्स है वो बैठ जाएंगे हमें देखना है. वो देखें उसमें कोई बुराई नहीं है, बट द नेचर ऑफ द प्रोग्राम वो फिर से एक्सप्रेशन को होल्ड कर देते हैं. फिर से बच्चे द यंगस्टर देख के वो डरने लगते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के बारे में ये बोलना शुरू करें. बट आई थिंक ये जर्नी ऐसी होती है कि उसमें हमें ये मार्जिन रखना होता है कि एक दो बार अगर ये स्टेक होल्डर आते हैं इस फाइन, इसके बाद वो खुद उनका ट्रस्ट बनना शुरू होता है कि ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है इस प्रोग्राम में जिसमें वी विल सी अपोनेंट्स. के कोई हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाता है. देन यू हैव अ ग्राउंड. सो वन ऑफ द लर्निंग एंड वन ऑफ द स्ट्रक्चर विच वी फॉलो करेंगे इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. आई थिंक बिहेवियरल चेंज बहुत बड़ा प्रोसेस है. जब हम कहते हैं ना कि नफरत आने में इतने साल लगे तो मोहब्बत हारमनी उसको आने का भी वक्त देना होगा. तो कभी भी हम रश वाला प्रोग्राम नहीं करते. वी फोकस इट वन कम्युनिटी, वी टारगेट टू स्टे देयर फॉर 3 months to 6 months ताकि जो प्रैक्टिस हम लाना चाह रहे हैं वो बिहेवियर का हिस्सा बन जाए. एक बार जब वो बिहेवियर का हिस्सा बन गया सो देन पीपल आर नॉट एबल टू टेक इट आउट और कैन नॉट रिमूव इट दैट क्विकली. सो तो आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताएं कि एक सिंगल वुमन है वो किस तरीके से पॉजिटिव चेंज अपनी सोसाइटी में ला सकती है, अपनी फैमिली में ला सकती है, किस तरह से. आई वोंट से कि मेरी जर्नी को देखते हुए मैं ही कहूँगी कि हो सकता है मेरे लिए आई वॉज लकी इनफ के रिसोर्सेज बनते गए. आपका पहला स्टेप हमेशा बहुत मुश्किल होगा, बट दैट्स द स्टेप. बस वो एक स्टेप की बात होती है और उसको मैं कहती हूँ टू कन्वर्ट योर पैशन इन टू एन एक्शन. जब तक हम कहेंगे ना मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं रोज़ सुबह उठ के बोलूँ मुझे ये करने का दिल करता है, वो सिर्फ दिल करता है, वो अभी तक किया नहीं है. बट एज सून एज यू टेक दैट वन लिटिल स्टेप टू डू दैट थिंग नेचुरली आपको लगेगा कि रिसोर्सेज बनते जा रहे हैं या आप खुद वो रिसोर्सेज बनाते जा रहे हैं. हर कोई ऑफकोर्स सबकी जर्नी आसान नहीं होगी. आई हैव सीन मैनी वुमेन चेंज मेकर्स जिनको अपनी जर्नी बीच में छोड़नी पड़ी है या जिनकी जर्नीज को मेल पोर्शन ने जो है वो डोमिनेंट करके कन्वर्ट किया है तो दे वर डूइंग वेरी गुड जॉब. दैट्स व्हाट वी ब्रिंग इन द सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी पे हम अगर फोकस रहेंगे ना कि इक्विटी पे तो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें होंगी. बट एज अ सिंगल वुमेन लीडर स्टार्ट विद द सेल्फ, अंडरस्टैंड दैट व्हाट स्ट्रेंथ डू यू ब्रिंग. As soon as you know कि ये मेरा स्किल सेट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, एंड स्टार्ट विथ लिटिल, नॉट लाइक कि मुझे ये देखना है. वो देखने के लिए हमेशा पहला स्टेप होगा. सो वो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करते हैं सो आई थिंक रिसोर्सेज बनते भी हैं, लोग भी जर्नीज को ज्वाइन करते हैं, लोग रिसोर्सेज बनाते हैं. ऑफ्टन मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कहीं पर रुकी हूँ काफ़ी टाइम से कुछ नहीं होता, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं ये करना है वो करना है, अच्छा ये मिलकर कर लेते हैं, तो दे गिव यू पुश एज वेल as soon as you start your journey. But जो पहला step है ना कि मुझे क्या करना है, that comes from here, it's from your heart.
बहुत दफ़ा अनफॉर्चुनेटली होता है ना कि लोग कहते हैं कि बस मुझे कुछ करना है, तब आपकी जर्नी आधी रुक जाएगी फॉर श्योर. लेकिन लोगों को दिल से पता है ना कि ये मेरा कोर है और ये मैं करना चाहती हूँ अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, तब मुझे लगता है कि देयर इज़ नो वन पावरफुल देन अ वुमन इन द सोसाइटी. शी ब्रिंग्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैन एंड शी ब्रिंग्स द सेंसिटिविटी ऑफ वुमन विद हर. दैट्स हाउ अ वुमन इज. That's impressive. And हम फिर से जब वो परिंदे की तरफ आते हैं, अब आप ये बताइए कि किस तरह से आपने परिंदे को लीड ऑफ किया एक अकेले होते हुए, और किस तरीके से आपकी टीम बनती गई, और किस तरह से आप यूथ को अपने साथ एंगेज करा आपने काम करने के लिए भी और परिंदे में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो जो लाइक माइंडेड लोग थे, वी स्टार्टेड अवर जर्नी विद अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम कॉल्ड जुगनू, और उसके अंदर हमने आर्ट्स एंड कल्चर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे थे. दैट हाउ आर्ट्स एंड कल्चर इज एबल टू ब्रिंग द क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग माइंड इन द सोसाइटी. तो वो कहीं ना कहीं उसका फ्लेवर था कि ये एक टूल है जो कि हेल्प करता है टू ब्रिंग द सोशल चेंज. और फिर इसके बाद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपन ऑफ सफूरा बस अटैक, नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ दैट. लेकिन उसके बाद परिंदे स्टार्ट हुआ विद अ प्योर फोकस ऑफ कम्युनिटीज वो आर स्ट्रगलिंग, हाउ वी कैन यूज आर्ट एज अ टूल ऑफ हीलिंग फॉर देम. एंड एट दैट मोमेंट आई थिंक द वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग फॉर माई सेल्फ वाज के व्हाट अबाउट द अदर सिस्टर कम्युनिटीज इन पाकिस्तान वर गोइंग थ्रू सच इंसिडेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड व्हाट वाज नॉट सेटलिंग विद मी के जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमने देखा कि बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था, पीपल वर इंगेज एंड दे वर एबल टू वर्क विद देयर मेंटल हेल्थ. पर अगर हम आराम से सोचें कि वो सिस्टर कम्युनिटीज़ जो कि बहुत टाइम से एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को फेस कर रही है, सो लेट्स से द पीपल हु सर्वाइव्ड इट, सेकेंडरी विक्टिम या प्राइमरी विक्टिम, तो जो नफरत उनके अंदर है दैट कैन लीड देम टू रिपीट द एक्शन. सो हु इज़ काउंटरिंग देम, हु इज़ हेल्पिंग देम टू चैनलाइज देयर इमोशन एंड एनर्जीज इन द पॉजिटिव वे. और परिंदे हमने स्टार्ट किया विद दिस पर्पज दैट हाउ वी कैन हेल्प पीपल who have been the victim of violence, been a direct encounter or indirect encounter, but how we can engage them to utilize their emotions in a positive way and prevent violent extremism or prevent them to fall towards violent extremism. So wahan se ye start hua, and with the people, with friends coming as well who are working with me, the community where they joined in, they brought in their expertise. और जो हमारा पहला प्रोग्राम था, फंडेड प्रोग्राम, वो ख्याल ख्याल वॉज ऑल अबाउट दैट हाउ डू वी पास ऑन दिस केयर टू पीपल हु हैव सर्वाइव्ड एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट है, चाहे वो एथनिक है, कोई भी वायलेंस है. एंड हाउ वी हेल्प देम के लिए जो एंगर है उसको हम कैसे पॉजिटिव उसमें यूज़ कर सकते हैं, और हाउ वी कैन हेल्प यूथ टू आइडेंटिफाई देयर पर्पस. दैट वॉज द कोर, दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ख्याल. तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे यूथ थे जो कि इस प्रोग्राम को रेप्लिकेट करना चाहते हैं. सो वी स्टार्टेड अवर वॉलंटियर प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों को एंगेज करते हैं टू वर्क विद अस फॉर अ सर्टेन टाइम, लर्न द टूल्स, पास ऑन द टूल्स टू देयर कम्युनिटीज. बट पाकिस्तान बीइंग द यंग कंट्री, आप यूथ को अवॉइड नहीं कर सकते कोई भी काम करते हुए, लाइक यू नो दैट्स द कोर. एंड और उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि ये यंग कंट्री विल नॉट ऑलवेज बी यंग. सो ये यूथ कल को जाके एडल्ट में जा रहा होगा ना, लाइक दे विल बी बियॉन्ड द एज ऑफ 30 वेयर दे आर नो लॉन्गर यूथ. सो वी हैव टू वर्क एट देम नाउ टू प्रिपेयर द सॉलिड प्रोडक्टिव पोर्शन, ताकि जब वो आगे जाके उन जगहों पे जहाँ पे दे हैव टू टेक डिसीजन, दे हैव टू मेक पॉलिसीज और दे हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी पोर्शन ऑफ द सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, दे हैव द इनफ कैपेसिटी. सो दैट्स वेयर यूथ ऑलवेज वॉज अ सेंटर पॉइंट फॉर परिंदे इन एनी प्रोग्राम. और मैंने ये देखा कि जो मिसिंग है पाकिस्तान में वो भी यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन अ प्रोग्राम लाइक दिस वेयर दे आर विलिंग टू टीच यू, ना कि ऐसा कि बस आप आ जाएं, आप ये उठा लें या बाकी प्रिंट कर दें, आप वो कर दें. सो आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द यूनिकनेस वाइल वर्किंग फॉर यूथ टू गेट एंगेज इन परिंदेज, टू लर्न द टूल्स फॉर यर इज़ टू बी इन द कम्युनिटी एंड टू लर्न फ्रॉम द कम्युनिटी, टू वर्क फॉर द कम्युनिटी. परिंदे का एक बहुत कोर जो रहा है वो ये कि वी एम टू क्रिएट मोर को लीडर्स. व्हेन वी से मोर को लीडर्स, इट्स लाइक लेगेसी शुड नॉट रिमेन
with Sonal Dhanani. But Sonal should create more co-leaders so that if tomorrow Sonal is not there, somebody is there to continue the legacy. Someone is there in the community as a co-leader, as a co-worker, as a co-creator to continue those tools, to pass on those tools to others so that we can sustain the impact which we have created so far. इसके बाद एज एन सोशल एंटरप्रेन्योर आप अपनी सोसाइटी में एक अकाउंटेबिलिटी रखते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना? आई थिंक मेरी फैमिली से पूछना चाहिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स लाइक व्हेन यू आर फॉलोइंग योर पैशन ऑल द टाइम, यू डोंट रियलाइज दैट what is the personal time. After personal time maybe aapka passion aa jata hai na har waqt, so I don't balance it actually. I'm terrible at balancing it. I think that's the complaint, but I try to keep the tools jo ki meri healing ke liye na, jo ki mujhe pasand hai. For example, I like watching movies sometimes, so main wo tools ko zarur rakhti hu, ya agar mujhe pasand hai to take family out, तो वो वाले टूल्स मैं रखती हूँ विद अ माइंडफुल माइंड कि ये मुझे अपने लिए रखना है, तो मेक श्योर कि ये टाइम हो. पर अनफॉर्चुनेटली इस काम की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की, यूथ की, कि बहुत मुश्किल होता है. और जब आप एक बार इसको कर लेते हैं तो आपके लिए सुकून से बैठना बहुत मुश्किल है. तो अगर कोई नहीं, अगर कोई मैं समझती हूँ कि ये वीकेंड आएगा, ये फ्री होगा, तो उस पर भी कुछ ना कुछ आ जाता है. और फिर ये ऐसा काम है कि मुझे दिल नहीं होता कि मैं मना करूँ. मुझे ऐसा होता है कि इफ़ यू से नो, यू आर स्टेप बैक, यू आर पुटिंग कम्युनिटी बैक, एंड जो काम आप करना चाहते हैं आप उसमें एक स्टेप पीछे होते जा रहे हैं अगर आप उसको ना बोलते हैं. सो सो देयर इज़ नो बैलेंस. सो दिस इज़ इट. थैंक यू मिस सोनल. इट वाज नाइस टू हैव यू. Thank you so much.